सो गुड मॉर्निंग एंड हर हर महादेव के साथ आज के दिन का। और काजू आज क्या बनाने वाले हैं? आज बन रहा है गर्मा गर्म उपमा। हर हर महादेव। सो दोस्तों आप यहां से दर्शन कर लो त्र्यंबकेश्वर महादेव के। अभी इसमें खिचड़ी डालते हैं। अब ये डलेगी, जाएगा 2 चम्मच घर का। गुड मॉर्निंग एंड हर हर महादेव के साथ आज के दिन का स्टार्ट करते हैं। आज हमें दुर्गराज निसर्गमय कैंपिंग लोकेशन पे केवल त्र्यंबकेश्वर से केवल 8 किलोमीटर दूरी है लोकेशन है। यहाँ पे पूरा ये कैंपिंग के लिए लोकेशन है, जंगल के बीचों बीच में पूरा लोकेशन है। तो चलो आज के दिन में करते स्टार्ट और पूछते है काजू से क्या बनाने वाली है। तो चलो आप और हमारी, आपको वैसे पता है हमारी कैंपर वान है, कैंपर वान अभी खुल गई है। और काजू आज क्या बनाने वाले हैं? आज बन रहा है गर्मा गर्म उपमा सुबह सुबह, और चाय चाय बन रही है बाजू के किचन में, यहाँ बन रहा है उपमा। यहाँ पे आप देखो अजय जी अभी ने चाय के लिए पानी एकदम बढ़िया रख दिया है यहाँ पे। और वैसे तो क्या है, मुझे आज भी विश्वास नहीं है कि अजय जी ने चाय रखी है या क्या है, क्योंकि सुनीता जी वहाँ पे है तो शायद रख के गए। भ्रम तोड़ देंगे हम आज क्योंकि कभी काम नहीं करते होंगे ऐसे दिखता है तो। और यहाँ पे श्रीमती जी ने पहले क्या किया दिखाओ? ये पहले पानी रख दिया है 2 ग्लास उपमा के लिए, रेडी टू ईट का पैकेट है, रेडीमेड पैकेट है। पानी उबल जाए उसके बाद इसमें उपमा डाल दो सीधे पूरा पैकेट। आज मैं बनाऊंगी 2 पैकेट। सो दोस्तों बढ़िया उपमा चाय, फिर हमारी गुजराती खाखरा रस, सब कुछ यहाँ पे जंगल पे बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट का आनंद लेंगे। और आप हमारे साथ बने रहना, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लोकेशन आज के दिन में पूरा एडवेंचर और अनेरा मजा आएगा और आनंद ही आनंद मिलेगा आपको। और अभी डाला जाएगा, से जाएगा 2 चम्मच घर का बना हुआ देसी घी। ये एकदम बढ़िया डाल दिया इसमें घी, क्योंकि क्या है घी के बिना तो मजा ही नहीं आएगा। और ये लोकेशन देखिए दोस्तों, ये एकदम क्या A1 लोकेशन है यहाँ पे, किस तरह पूरा ये रखा है। यहाँ पे सामने अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो डैम, जिस पे कल जाके हमने कुकिंग की थी। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक है, आप देखिए जाके। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी और यहाँ पे लग चुका है हमारा डाइनिंग टेबल। जिस तरह आज बताया आपको बढ़िया सा उपमा है, खाखरा है, रस है, और देखो यहाँ पे बैठ के कैसे मजे ले जा रहे ऐसे सुंदर से मौसम में। और अजय जी अभी सर्विस पे लगे यहाँ पे, और वहाँ पे बढ़िया चाय बन के अभी आ जाएगी। तो अभी हम भी आराम से बैठ के इस सुहाने मौसम में मजे लेते हैं। चलो लग रही है भूख और मैं लग खाने। सो दोस्तों अभी हम ब्रेकफास्ट का आनंद लेंगे और फिर मिलते हैं आपको। चलो तो फ्रेंड्स, हमारी दोनों गाड़ियां यहां से निकलने के लिए रेडी है। अब यहां से सीधा हम लोग जाएंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर। वाओ, क्या सा गुड्डू। चलो गुड्डू बाय बाय, गुड्डू से बाय, गुड्डू बाय बाय, गुड्डू। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम त्र्यंबकेश्वर महाज्योतिर्लिंग के बाहर। ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे अभी पहुंच गए हैं। और यहाँ पे आप जब भी आओ तो 50 रुपये का एंट्री फीस है और 50 रुपये गवर्नमेंट पार्किंग के।
तो चलो अभी आपको ये सब नज़ारे दिखाते हैं। इतनी भीड़ भी है और ये पूरी बाजार है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। यहाँ पे भी सब जो भी यहाँ की फेमस आइटम है वो यहाँ पे मिलेगी आपको। फाइनली पहुँच गए अभी मंदिर के द्वार पे। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हर हर महादेव। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा त्र्यंबकेश्वर का एंट्री गेट है। अगर यहाँ से आगे कैमरे का अलाउ होगा तो आपको भी दर्शन करवाते हैं। दोस्तों आप यहां से दर्शन कर लो त्र्यंबकेश्वर महादेव के। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहां है। हर हर महादेव हर। तो एकदम बढ़िया यहां पर हमें त्र्यंबकेश्वर के दर्शन हो गए, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए थोड़ा आपको भी दर्शन नहीं करा पाए। बट इस वीडियो के एंड में आपको बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। मैं पिक्चर एक रख दूंगा तो आप दर्शन कीजिए, बाकी पूरा मंदिर है। तो चलो अभी आगे। गुज्जू कपल ट्रैवल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम पहुंच गए हैं वीवर रिसोर्ट के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से पीछे हमें अपनी कार को पार्क कर दिया है। और आज कुछ बढ़िया बढ़िया फिर से एक बार इस शाम में बनने वाला है। तो आज काजू क्या बनाएगी? आज बनेगी मसाला खिचड़ी, क्योंकि आज क्या है दोपहर में आपको दिखा नहीं सके, आज हमने हेवी खाना खा लिया था। तो आज बनेगी मसाला खिचड़ी। तो शायद अभी ये तो चॉपिंग करने देगी, फिर मुझे ही बनाने पड़ेगी, क्योंकि मसाला खिचड़ी मैं ही अच्छी बनाता हूँ। तो चलो अभी ये प्यारी सी कैरेवान में अभी खाना बनेंगे, आप भी आ जाओ हमारे साथ खाने। चलो यहाँ कुकर पे आज बनेगी मसाला खिचड़ी। ऑयल और जीरा डाल दिया है। क्या डाली? प्याज इतनी सी? हाँ थोड़ी सी। ओ, मुझे बनानी है ना आज, मेरी स्टाइल से बनेगा पूरा। देख लो पति देव की स्टाइल कैसी होगी। चलो सो पहले अब इसमें डाल देंगे अभी पानी। इसमें तेल जीरा का एकदम बढ़िया तड़का लगा लिया है। अभी इसमें खिचड़ी डालते हैं। ये डलेगी खिचड़ी, मूंग, मगफाड़ा और राइस डलेगी खिचड़ी, नमक बस एक चमची। अभी खिचड़ी हो गई और इसमें अभी 3 सीटियां लगा लेंगे और उसके बाद खिचड़ी बन जाएगी। चलो अभी इसको तो अभी फाइनली थोड़ी देर में खिचड़ी बन जाएंगी और फिर मैं लगाऊंगा तड़का बढ़िया और यहाँ पे बढ़िया अभी मसाला खिचड़ी बन जाएंगी। और बाकी ये लोकेशन देखिए, हम हरी सभी जगह हरी भरी जो जगह हो वहाँ पे ही जाएंगे और ऐसे ही कैंपिंग करेंगे। सो पहले जाते के हमारे पड़ोस में जो रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं
ये हमारे क्या पड़ोस में इंग्लिश में नेबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेबर कह लो, हाँ नेबर है हमारे। मेरा इंग्लिश तो क्या है, कपिल शर्मा जैसा है, तो थोड़ा चलता है ना बाबा जी का ठुल्लू। तो आज उन्होंने तो बढ़िया चाय अकेले अकेले पी ली, क्योंकि तुम्हें पीनी नहीं थी। नहीं, दोनों ने एक दूजे का सिर दुखाया था, इसलिए पहले जाके बनाई बढ़िया चाय। सो चलो, अभी उन दोनों ने तो अपने सर का दर्द भगा दिया, अभी हमारा सर का दर्द उतरा कि नहीं, इनकी आंखों में ही देखो मेरे लिए कितनी नफरत है। नहीं, आज मुझे चक्कर आ गए, मैं दो बार तो गिर गई, उठना भी मुश्किल है, संभलना भी, दो जगह चोट भी। तो देखो 108 बुला लूं दोस्तों, जबरदस्ती खिचड़ी खानी पड़ रही है, वो भी पति देव बनाएंगे, वो तो खाने में देखेंगे कि सपाचट कौन करता है। सो अब सबसे पहले डालेंगे ऑयल, देखो कितना डालो, बस तो पहले ऑयल डाल दिया, ज्यादा नहीं, फिर अपने स्वाद के अनुसार जीरा डाल दो। अब डालेगी हींग थोड़ी सी, उतनी सारी थोड़ी हींग डालते हैं, प्याज डालते हैं। चलो प्याज को एकदम ब्राउन हो जाए ना, तब तक इसमें पकाते हैं ऑयल में। अब डल चुकी है अदरक लहसुन पेस्ट यहाँ पे, थोड़े डालते हैं टमाटर इसमें, उसके बाद डालते हैं मिर्ची। अभी मिर्ची और टमाटर एकदम बढ़िया तरह से, पहले आधी चम्मच डालते हैं नमक, आधा चम्मच डालते हैं दही, एक चम्मच डालते हैं जीरा, पिसा हुआ जीरा, हाँ पिसा हुआ जीरा, आधी चम्मच हल्दी और फिर उसके बाद एक चम्मच लाल मिर्च डाल दो, हाँ बस, और फिर थोड़ा सा पानी, फिर थोड़ा सा डाल दो पानी, थोड़ा सा ही, बस देखो दोस्तों अभी बढ़िया सा यहाँ पे आप देखिए ग्रेवी सब बन चुकी है, इसका बैटर बन चुका है, तो अभी इसमें खिचड़ी भी डाल देंगे और एकदम बढ़िया मसालेदार खिचड़ी बन गई। और रेसिपी अच्छी लगे ना, एक बार अपने घर पे ट्राई करो, हमने तो हमारे छोटे से घर में एकदम बढ़िया बनाते हैं। ऐसे तेल जब ऊपर आने लगे तब उसमें एक खिचड़ी डाल दो। चलो क्या है, अभी हाथ को लगाने के लिए काजू आ गई थी, अभी इनमें थोड़ी सी खिचड़ी डाल दो और फिर एकदम बढ़िया तरह से आप इसको मैश अप कर लो। इसको खिचड़ी को डाल दिया, अभी मिक्स कर लो, देखो फिर क्या स्वाद आएगा। देखो हमारी खिचड़ी बनके रेडी है। तो दोस्तों यहाँ पे बढ़िया हमारी खिचड़ी बन चुकी है, और डिनर में लेके खिचड़ी का आनंद, अगर आपको भी खाना है तो आ जाए यहाँ पे। सो अजय जी, कैसी खिचड़ी बनी? बहुत टेस्टी सच्ची में, चटपटी मुच्ची में, एवं बिल्कुल मास्टर शेफ एकदम नवीन पंड्या पंड्या एंड
एंड नहीं, सिर्फ मैंने ही बनाई। रेसिपी किसकी थी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अभी रेसिपी तो तुम किसी को बता दो, अनाड़ी को। आप भी तो मायने रखता है दोस्तों, मैंने ही बनाई है, कोई भी बोले। तो दोस्तों आज की हमारी दिनचर्या आपको अच्छी लगी है तो गुज्जू कपल ट्रैवलर का वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। हमारा यहाँ पे बढ़िया बेड अभी लग चुका है, तो अभी बढ़िया बेड लग चुका है हमारा, तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए हर हर महादेव।